गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिन की शुरुआत आज सुहावने मौसम के साथ। पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, भगवान जी ने कर दी है बारिश अच्छे से और मौसम फिर से कर दिया चेंज। और अभी भी देख लो आप, हवा चल रही है और मैं निकल रहा हूँ विद माय बीस्ट। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमारे घर आ चुकी है ये हमारी बीस्ट, तो इसी को लेकर निकल रहा हूँ मैं आज किसी जगह पे। आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो निकलते हैं, जर्नी रहेगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली कोई 150 किलोमीटर्स। तो करते हैं इस जर्नी को शुरू जल्दी से, लेके भगवान जी का नाम। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी और आपसे शेयर करता हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं आज और किस काम के लिए। और गाइज, अभी मेरी नज़र पड़ी सैनविक का, दिल बहुत है मेरे साथ चलने का, लेकिन अब छोटा बच्चा है उसको इतनी दूर नहीं ले जा सकता, स्पेशली मदर के बिना या तो कोई और साथ में होता। और वो देखो वहाँ खड़ा है और देख रहा है। हेलो, आपके लिए लेके आऊँगा कुछ, ठीक है, बाय। वेट कर रहा था, मेरी सडनली नजर पड़ी कि सैनवी खड़ा है ऊपर। सो गाइस, चलते हैं, करते हैं आज की शुरुआत। सो गाइस, अभी पहुंच गए हैं नंगल और आज इस बीस्ट के साथ है फर्स्ट राइड। और भगवान ने उस हिसाब से, मौसम भी देख लो, खूब बारिश हुई है। मुझे लगा सिर्फ ऊना में हुई होगी, लेकिन ये हर तरफ बारिश हुई है। फिलहाल पहुंच गया हूँ, नंगल क्रॉस कर रहा हूँ, बस जाम ना मिले। ऑलमोस्ट यही होता है जाम, बाकी आगे टर्न यहाँ पर होगा, आगे फिर कहीं नहीं जाम मिलेगा। सो होप फॉर द बेस्ट, मौसम भी अच्छा है और आगे रास्ता भी अच्छा है, मंजिल भी अच्छी है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे जाके मंजिल पे। और यहाँ पर अगर मैं व्यू दिखा पाया आपको तो ज़रूर दिखाऊंगा। पानी का लेवल देखो गाइस, यहाँ कितना है, अगर उस साइड होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता। और चलो जितना दिखा पाऊँगा उतना दिखाते हैं। सो गाइस, अभी भी जो डेस्टिनेशन है दैट इज स्टिल 76 किलोमीटर्स अवे। और जो ये गूगल मैप बता रहा है एस्टिमेटेड टाइम इज 10:28। सो देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि ट्रैफिक भी है आज, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक चल रहा था पीछे भी नंगल में स्पेशली। अभी तो मैं अनंतपुर साहिब भी क्रॉस कर चुका हूँ। सो देखते हैं किस तरह, क्या ये गूगल मैप सही बताता है नहीं बताता है, बीच में कोई डाइवर्जन बता रहा है, तो देखते हैं कैसे है। जैसे भी होगा कोशिश करेंगे ऑन टाइम इसके कम से कम इसके अकॉर्डिंगली पहुँच पाएँ। सो गाइज, अभी ऑन द वे फर्स्ट टोल टैक्स आएगा। तो भैया गाड़ी ली है पिछले कल, नंबर अभी आया नहीं, नंबर नहीं आया तो मैंने फास्टैग नहीं लिया हुआ। अब देखते हैं टोल टैक्स वाले कैश एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, या वैसे अलाउ करते हैं। वैसे तो कहाँ अलाउ करेंगे, कैश ही करेंगे और डबल चार्ज होगा मुझे लगता है। सो देखते हैं, ट्राई में पिछले कल कर रहा था कि फास्टैग मिल जाए, लेकिन ऑन अ टेम्प्रेरी नंबर इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होगा भी तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में, शायद होता होगा, ऐसा तो नहीं है। पर चलो देखते हैं आज, और होपफुली नंबर भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। जैसे ही नंबर आएगा तो फास्टैग लगवाएंगे इस पर, ताकि ऐसे प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, कैश एक्सेप्ट तो करना चाहिए। बाकी देखते हैं, आपसे भी शेयर जरूर करूँगा पहुँचने वालों बस मैं अभी टोल टैक्स पे। और बारिश अभी भी गाइस कंटिन्यू, मौसम ने पूरी मौज लगा रखी है। एसी की आज ज़रूरत नहीं पड़ रही एंड आई एम ड्राइविंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। पिछले कल इतनी गर्मी थी कि एसी से निकला नहीं जा रहा था, और आज एसी चल नहीं रहा है। तो अब
बाकी देखते हैं जाके टोल टैक्स पे क्या रहता है। सो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं, फास्ट टैग है नहीं, सो देखते हैं भैया क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट होगा इसका भाई। फास्ट टैग ओनली, कैश वाली कोई लाइन नहीं थी, मैं लग गया इसी में, फिर और क्या करें भैया, उड़ा के थोड़ी लेके जाएंगे। सो गाइस टोल टैक्स तो हमने कर लिया पार, लेकिन वही बात है, कैश ले तो लिया उन्होंने, लेकिन फॉर अ सिंगल साइड दे हैव चार्ज ₹110। और हालांकि अगर फास्ट टैग होता तो अप डाउन का होता है ₹90 ओनली, और अगर कैश ही है सिर्फ तो अब लगेगा इसका ₹220। तो देख लो भैया कहाँ ₹90 में अप डाउन और कहाँ ₹220 में, तो भैया ये तो है नुकसान। जल्दी जल्दी से अब RC आए, हमारी नंबर लगे इस पे, ताकि इस पे फास्ट टैग लगवाया जाए। चलो क्या कर सकते हैं, चलो ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कैश ले लिया, नहीं तो कई तो अपने टोल टैक्स ऐसे भी हैं जो विदाउट फास्ट टैग एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो चलिए अब करते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू। थोड़ा सा रह गया है मेरा यहाँ से सफ़र, ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स, और मिलते हैं डायरेक्ट अब वहीं जाके आपसे। तो गाइज डेस्टिनेशन पे अपनी पहुंच गए हैं, और डेस्टिनेशन थी हमारी आज की चंडीगढ़। मैं आया हूँ यहाँ पॉपुलर कार एक्सेसरीज में, वो क्यों आप लोग समझ गए होंगे, गाड़ी ली है तो जो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज होती हैं वो आज फिट करवाने आया हूँ यहाँ पॉपुलर कार एक्सेसरी में। ये मेरे नोन है, एक्चुअली मेरा ब्रदर है यहाँ चंडीगढ़ से अनमोल, तो उनके नोन है, उसके रेफरेंस से यहाँ आया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट शॉप उसने बोला कि यहाँ जाओ, अदरवाइज़ आपको पता है चंडीगढ़ में तो बहुत सी शॉप्स हैं, लेकिन अगर उसने बोला है स्पेशली तो वो कोई ना कोई कारण होगा। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसी करके आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा आज स्कॉर्पियो N के साथ फर्स्ट ट्रिप, और मिलूँगा आपसे जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, नई अपडेशन, नई एसेसरी इन स्कॉर्पियो N के स्कॉर्पियो N वाले ब्लॉग के साथ। टिल देन पीस।